हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त, स्वागत है आपका अपना योग प्लेनेट पे। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज नए जो जुनून, एक नए उमंग के साथ मैं फिर से प्रीपोजिशन का आज मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। प्रीपोजिशन लेक्चर फर्स्ट का पूरा वन वीडियो में ही पूरा प्रीपोजिशन में पढ़ा दिया हूँ। तो इसको क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस सेट करने से पहले आप पूरा लेक्चर फर्स्ट अवश्य देखें। अगर आप मेरी सलाह मानते हैं तो सबसे पहले आप लेक्चर फर्स्ट देखें। मैं दावे के साथ कहता हूं, कह रहा हूं कि अगर आप लेक्चर फर्स्ट देख लेंगे तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिस सेट यानी टोटल क्वेश्चंस में 45 दिया हूँ। 45 क्वेश्चन में एक भी आपको दिक्कत नहीं होगा, टोटल क्वेश्चन आप कर लेंगे, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। तो चलिए, आप अगर लेक्चर फर्स्ट नहीं देखें तो आप ये भी देख सकते हैं। एक एक पॉइंट का मैं आपको, एक एक क्वेश्चन का जो डाउट होगा मैं आपको क्लियर करते हुए चलूंगा। तो चलिए देर ना करते हुए मैं आपको प्रीपोजिशन का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। ये टोटल जो क्वेश्चन है बीएचयू का जो है प्रैक्टिस सेट है, नवोदय सेचेस का। तो आप लोग अच्छे से पढ़ें, बहुत ही मेहनत करके आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लें प्रीपोजिशन होता क्या है। थोड़ा सा, बस थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा कि प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जो है दो शब्द मिल करके बने हैं, एक प्री और एक पोजिशन। प्री का मतलब होता है, प्री का मतलब होता है बिफोर यानी पहले, बिफोर यानी पहले। और पोजिशन का मतलब होता है प्लेस, प्लेस का मतलब जो हिंदी होता है स्थान, यानी यहाँ किसी स्थान से पहले जो वर्ड लगता है उसी को प्रीपोजिशन कहते हैं। ये तो मान लीजिए इसके अनुसार हो गया, लेकिन वास्तव में प्रीपोजिशन का परिभाषा क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, किस तरीके से यूज होता है, यह पूरा परिभाषा, पूरा डिटेल्स में जानकारी आपको लेक्चर फर्स्ट में मिल जाएगा। तो चलिए हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए, और आप भी क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन खुद कीजिए, और अगर मैं बता रहा हूं तो आप लोग को अच्छा लगे तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए आइए, क्वेश्चन फर्स्ट है, चिल्ड्रेन आर फॉन्ड, फिल इन द ब्लैंक, चॉकलेट एंड कंप्यूटर गेम्स। चलिए बताइए, यहां पर लिखा है कि चिल्ड्रेन आर फॉन्ड, बच्चे शौकीन हैं, बच्चे क्या हैं, शौकीन हैं, चॉकलेट और कंप्यूटर गेम्स। तो अब बताइए, कोई व्यक्ति किसी चीज का शौकीन होता है, किसी चीज का शौकीन होता है, यानी जब कोई व्यक्ति किसी चीज का शौकीन होता है तो वहां पे का सेंस निकल रहा है। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का देखिए यहाँ पे का सेंस आ रहा है ना, किसी वस्तु का शौकीन रखे, क्या रखे, शौक करे, शौकीन रखे। यहाँ पे काके की का जो इंग्लिश होता है क्या होता है, ऑफ होता है। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो यहाँ पे ये सारे के सारे बच्चे शौकीन है किसका, चॉकलेट्स का और कंप्यूटर गेम्स का। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ना तो फर लगेगा, ना ही विथ लगेगा, क्या लगेगा, ऑप्शन बी यानी ऑफ, इनका प्रयोग नहीं होगा। अब चलिए, फॉर का हिंदी होता है के लिए, चॉकलेट के लिए और कंप्यूटर गेम के लिए शौकीन, यहाँ पे के लिए का सेंस नहीं होगा। आप समझिए कि कोई पर्सन किसी चीज के लिए शौकीन करे, किसी चीज का शौकीन हो, तो वहां पे काके की का सेंस होता है और उसका जो इंग्लिश निकलता है, इंग्लिश होता है प्रीपोजिशन ऑफ का। पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बढ़िया से शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहें। और मेरा एक हैसियत है कि मैं कोई भी चीज पढ़ाई कराता हूं तो जल्दीबाजी में नहीं पढ़ाता हूं, तो आप एकदम धैर्य पूर्वक पढ़ें। क्वेश्चन सेकंड, वी गेट रेंस फिल इन द ब्लैंक जुलाई एवरी ईयर, इसका मतलब क्या है आप बताएं। वी गेट रेंस जुलाई एवरी ईयर,
अब बताइए, यहाँ पे मैं आप लोगों को कंसेप्ट पढ़ाया हूँ, हिंदी भी निकालने के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ समझने के लिए हिंदी समझना भी पड़ेगा, इंग्लिश का प्रीपोजिशन यूज करने के लिए भी हिंदी का अर्थ समझना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे आप समझिए, मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूं तो आप तो जान ही गए होंगे कि मैं वहां पे जहां पर खाली स्थान होगा, जहां पर फिल इन द ब्लैंक होगा, वहां पर सिर्फ किस चीज का प्रयोग होगा, प्रीपोजिशन का ही प्रयोग होगा। इतना बात आपको समझ में आया? तो एक बात बताइए, यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ पे प्रीपोजिशन होगा, लेकिन प्रीपोजिशन का प्रयोग कब देखकर करते हैं? इसके बाद वाला वर्ड को देखकर करते हैं, इसके बाद वाला वर्ड्स को देखकर करते हैं। तो इसी वर्ड से तो ही पहले प्रीपोजिशन लगता है, इसी स्थान से पहले ही तो प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जब फिल इन द ब्लैंक है, जब यहाँ पे खाली स्थान है, तो इसके बाद वाला लिखा है जुलाई, तो जुलाई को देख कर ही इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो मैं आपको नोट लिखवाया हूँ, लेक्चर फर्स्ट आप अवश्य देखिएगा, उसको मिस ना करें। तो मैं आपको लिखवाया हूँ, अगर आपका डेफिनिट डेफिनिट मंथ रहे और डेफिनिट ईयर रहे, मंथ्स भी बोल सकते हैं या ईयर्स भी बोल सकते हैं, तो डेफिनिट का मतलब उसका खास नाम होना चाहिए। जैसे मंथ का खास नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये डेफिनेट मंथ है। और डेफिनेट डेफिनेट ईयर का मतलब होता है 2022, 2023, 2023, 2022, ये आपका डेफिनेट ईयर है। तो इसके इस सेंस में जो है, इस डेफिनेट मंथ और ईयर से पहले हम किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग कब करेंगे? जब आपका कोई मंथ का खास नाम हो, जब ईयर का खास नाम हो, तो उसके पहले हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। आप बताइए, जुलाई जो है, जुलाई आपका मंथ नेम है कि नहीं है? मंथ नेम है कि नहीं है? डेफिनेट मंथ है कि नहीं है? अगर डेफिनेट मंथ है तो यहाँ पे ना तो फॉर का प्रयोग होगा, ऑप्शन बी टू का प्रयोग नहीं होगा, ऑप्शन सी ऑन का प्रयोग नहीं होगा, ऑप्शन डी इन का प्रयोग होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत अच्छा, आगे चले आगे चले आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? हिज फादर डाइड, फिल इन द ब्लैंक, कैंसर। अब चलिए यहां पर प्रीपोजिशन भरना है, लेकिन प्रीपोजिशन बाद वाले को देखकर ही भरना है। क्लियर हुआ? अब मैं आपको लेक्चर फर्स्ट में यह भी पढ़ाया हूं कि डाइड, यहां पे डाइड लिखा है, डाई का मतलब होता है मृत या मृत्यु, ठीक है ना? यानी यहाँ पे आप डेथ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? डेथ, DETH। हर क्वेश्चन का आपको नोट लिखवाता हुआ चलूंगा। लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि यह क्वेश्चन में डाउट है, तो मैं आपके अंदर की भावनाओं को समझ सकता हूँ। बात समझ आ रही है? तो डेथ का मतलब होता है मृत्यु, डेथ का मतलब होता है मृत्यु। और इंसान कितने तरीके से मरते हैं? इंसान दो तरीके से मरते हैं। कोई भी चीज अगर किसी की मृत्यु होती है, तो दो चीज से होती है, दो कारण से होता है, या तो डिजीज, DIEASES, डिजीज, DIEDISEASE, सॉरी, DIDISEASE, या तो बीमारी से मरेगा किसी से, या तो बीमारी से कोई व्यक्ति मरता है, या एक्सीडेंट से, ACCIDENT। ध्यान समझेगा, जब किसी, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, जब उसकी डेथ होगी, मृत्यु होगी, या तो डिजीज, या तो बीमारी, किसी बीमारी के कारण मर जाए, या एक्सीडेंट होकर मर जाए, तो एक्सीडेंट रोड पे ही होगा। जरूरी नहीं कि रोड ही एक्सीडेंट हो, मैंने किसी बीमारी को छोड़ करके अगर कोई दुर्घटना हो जा रही है, जैसे कोई पेड़ से ही गिर के मर गया, कोई रोड पे चल रहा है, कोई ट्रक वाला, बस वाला, मारुति वाला जो मार दे, वो एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, तो उस केस में किस किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ये बात आपको समझना है, ध्यान से समझिएगा। तो डेथ दो तरीके से होता है, एक डिजीज बीमारी से और एक एक्सीडेंट से। अगर बीमारी से हो रहा है, अगर किससे हो रहा है, अगर बीमारी से हो रहा है, तो वहां पर प्रीपोजिशन किस चीज का प्रयोग करेंगे? ऑफ इज यूज्ड, ऑफ इज यूज्ड। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर कोई बीमारी से मर रहा है, तो हम किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? ऑफ का।
और एक बात ध्यान से समझिएगा, जरूरी नहीं कोई कसम नहीं खा लिया है कि इंग्लिश में जो जहां पर अफ दिखाई दे तो वहां पर हिंदी का के की ही बोले, नहीं ऐसा बात नहीं है। सेंस होना चाहिए, सेंटेंस का मतलब होना चाहिए, उस हिसाब से प्रीपोजिशन का जरूरत हिसाब से हिंदी भी बदल जाती है, तो हिंदी देख करके घबराए ना। क्लियर हुआ? चलिए, जब किसी की मृत्यु डिजीज से हो, बीमारी से हो तो अफ का प्रयोग, और जब किसी का एक्सीडेंट से हो तो किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? इन इज यूज। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ टोटल BHU क्वेश्चन से क्वेश्चन है, ठीक है ना, प्रीवियस क्वेश्चन है। चलिए देखिए यहाँ पे, तो अब बताइए क्वेश्चन पढ़िए कि हिज फादर उसके पिताजी डाई, उसके पिताजी मर गए, किस चीज से मर गए? कैंसर से मर गए। अब बताइए यहाँ पे जो ऑफ का हिंदी, यहाँ पे जो मतलब निकल रहा है, यहाँ पे जो प्रीपोजिशन होगा उसका हिंदी क्या निकल रहा है? से निकल रहा है। अब बताइए इनकी, ये जो व्यक्ति है उसके पिताजी मरे हैं तो कैंसर से मरे। अब कैंसर बताइए डिजीज नेम है कि एक्सीडेंट है? अब बताइए बीमारी का नाम है, डिजीज कैंसर एक बीमारी का नाम है, और बीमारी जब भी बीमारी से कोई मरता है तो कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? ऑफ का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो आप कमेंट कीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे लाइव चैट पे कमेंट अवश्य करिए। चलिए तो क्या होगा, इन तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे जो मरा है तो एक्सीडेंट से नहीं मरा है, इन नहीं होगा, बाई नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन डी होगा यानी ऑफ होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो ऑप्शन होगा बी होगा, ऑफ। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे जो ऑफ निकल रहा है इसका हिंदी काके की नहीं निकल रहा है, यहाँ पे क्या निकल रहा है? से निकल रहा है, उसके पिताजी कैंसर से मर गए। आगे चले क्वेश्चन नंबर फोर क्या है फटाक से बताइए, आप लोग देख रहे हैं, ही वॉज प्रिवेंटेड फिल इन द ब्लैंक गोइंग टू कॉलेज। चलिए बताइए, ही वॉज प्रिवेंटेड गोइंग टू कॉलेज, तो क्या होगा बताइए? यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ध्यान से समझिएगा, प्रिवेंट क्या लिखा है नोट याद रखिएगा, PREVENT प्रिवेंट के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा तो किस चीज का होगा? ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे ध्यान समझिए, यहाँ पे याद रखिएगा गो के बाद और कम के बाद, गो के बाद और कम के बाद अगर किसी जगह का नाम देता है प्लेस नेम, किस चीज का नेम? प्लेस नेम, यानी जब कोई व्यक्ति जा रहा है तो किसी जगह पे जाएगा, और जब व्यक्ति कहीं से आ रहा है तो किसी जगह पे आएगा, तो वहां पे प्रीपोजिशन किस चीज का प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। पहली बात क्लियर हुआ। अब चलिए, और दूसरी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति जा रहा है या आ रहा है और किसी साधन से जा रहा है आ रहा है, किसी व्हीकल व्हीकल नेम, किसी साधन का नाम दे दे, तो इस व्हीकल से पहले किस चीज का प्रयोग करेंगे? बाइक का प्रयोग करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और तीसरा ऑप्शन क्या है कि अगर कोई व्यक्ति जा रहा है या आ रहा है तो कहीं से निकला और कहीं जा रहा है, तो से के हिंदी में क्या चीज का प्रयोग करेंगे? फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। और फ्रॉम का यहाँ पे जो हिंदी निकलेगा, यहाँ फ्रॉम का हिंदी जो निकलता है से के अर्थ में निकलता है, तो जब कोई व्यक्ति जा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो फ्रॉम कहीं से जाए, जैसे फ्रॉम लखनऊ टू LUCKNOW, यानी लखनऊ से कहाँ जा रहे हैं? टू बनारस, BANARAS। तो जब कोई व्यक्ति किसी से किसी जगह पे जाता है तो उस स्थान जहां से स्थान छोड़ता है तो वहां उस स्थान को छोड़ने के लिए से लगाते हैं। बट यहाँ पे एक बात बताइए, गोइंग के बाद बताया ना, गोइंग के बाद या कम के बाद टू लगना चाहिए, तो आपका गोइंग से पहले आपका खाली स्थान है, गोइंग से पहले प्रीपोजिशन लगाना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं होगा। और जा रहा है या आ रहा है तो किसी साधन से जा रहा है आ रहा है, तो यहाँ पे गोइंग के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं है, कोई साधन भी नहीं है, तो बाई का भी प्रयोग नहीं करेंगे। अब बच गया ऑफ और फ्रॉम, तो फ्रॉम का मतलब होता है कि किसी जगह को छोड़ रहे हो और कहीं जा रहे हो, तो कहां से छोड़ रहे हैं कहां जा रहे हैं ये भी नहीं दिया है, फ्रॉम भी नहीं होगा,
तो किस चीज का प्रयोग होगा? ऑफ का प्रयोग होगा। मेरी बात समझ आ रही है? चलिए वेरी गुड, आगे चले। आगे क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव आप फटाफट कीजिए। लिसन, सुनो, फिल इन द ब्लैंक, व्हाट योर टीचर्स से। सुनो, आपके टीचर जी क्या कहते हैं, कौन सा ऑप्शन होगा? चलिए ऑप्शन यहाँ पे नोट क्लियर करते हैं, नोट क्लियर करते हुए चले। ऑप्शन ए एट, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी टू, ऑप्शन डी फोर, क्या होगा? ध्यान से समझे। तो यहाँ पे आप बात याद रखिएगा, यहाँ पे टू होगा, क्या होगा? टू होगा। क्यों? कभी कभी टू का हिंदी जो होता है, कभी कभी हिंदी टू का की ओर के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है? की ओर के अर्थ में होता है। मेरी बात समझ आ रही? टू का हिंदी की ओर के अर्थ में हो, अगर कोई सेंटेंस आप बोल रहे हैं और वहां पे हिंदी टू, ये वहां पे हिंदी की ओर के निकले, तो वहां पे आप या तो टुवर्ड्स का प्रयोग करते हैं। किस चीज का प्रयोग करते हैं? टुवर्ड्स का प्रयोग करते हैं या टू का प्रयोग करते हैं? तो इस ऑप्शन में टुवर्ड्स नहीं है, टू है, तो आप किस चीज का प्रयोग करेंगे? टू, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर हुआ? जैसे यहाँ पे जब हम टू का हिंदी की ओर बोलेंगे तो किसको शो करता है? लक्ष्य, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मतलब लक्ष्य होता है, लक्ष्य को दिखाता है। तो जब किसी लक्ष्य को दिखाए तो यहाँ पे हम या तो टूवर्ड्स का प्रयोग करेंगे या टू का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है? क्वेश्चन नंबर सिक्स है, दिस बुक इज ए कलेक्शन, फिल इन द ब्लैंक, शेक्सपियर्स पोएम्स। दिस बुक इज अ कलेक्शन, फिल इन द ब्लैंक, शेक्सपियर्स पोएम्स। इसका हिंदी क्या हुआ? कि यह किताब, दिस बुक इज, यह किताब है शेक्सपियर के कविताओं का संग्रह है। शेक्सपियर के कविताओं का संग्रह, तो का सेंस निकल रहा है, का की के का जब सेंस निकले, हिंदी निकले, तो वहां पे हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? ऑफ का। यानी शेक्सपियर्स, यहाँ पे जो एपोस्ट्रोफी एस लगा है इसका भी हिंदी होगा, यहाँ पे जो एपोस्ट्रोफी एस लगा है इसका हिंदी होगा का की के। तो शेक्सपियर का कविताएं, शेक्सपियर के कविताओं का कलेक्शन, यहाँ पे भी कलेक्शन आ गया, तो शेक्सपियर के कविताओं का कलेक्शन, तो यहाँ पे किस चीज का प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा? ऑफ का प्रयोग होगा। यहाँ पे ए ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर, वैसे आप लोगों को यहाँ पे कम से कम 10 क्वेश्चन तक जो है कि पहले से ऑप्शन ट्रिक लग गया है, साइन लग गया है, तो इसमें आप फटाक से देखकर बता देंगे, लेकिन मतलब क्या है ये समझना है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, दे हैव क्वेरल्ड, फिल इन द ब्लैंक, अ पीस ऑफ लैंड। जमीन के एक टुकड़े को लेकर उन लोगों का झगड़ा हुआ है। दे हैव क्वेरल्ड, वे लोग क्या किए हैं? क्वेरल्ड किए हैं, झगड़ा किए हैं। अ पीस ऑफ लैंड, एक जमीन के एक टुकड़े को लेकर, जमीन के टुकड़े को लेकर, उसी के ऊपर क्या किया है? उसी के ऊपर लेकर पूरा झगड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एट का प्रयोग नहीं होगा। जमीन ऑन, ऑन का प्रयोग तब करते हैं, एट का प्रयोग तो हम सबसे पहली बात बता दें, एट का प्रयोग जो है स्मॉल, एट का प्रयोग हम कुल मिलाकर के बोल सकते हैं, विलेज, विलेज का नाम हो, टाउन का नाम हो, या आप बोल सकते हैं लोकैलिटी, लोकैलिटी का मतलब होता है कस्बा। तो इससे पहले छोटे छोटे स्थानों के नाम के पहले एट का प्रयोग करते हैं, पहली बात। और ऑन का प्रयोग हम वहां पे करते हैं कि जब कोई वस्तु, मान लीजिए वस्तु है, और किसी वस्तु के ऊपर कोई दूसरा वस्तु रख दिया जाए, ये बॉल है कुछ भी मान लीजिए, लेकिन टच में है, तो कोई वस्तु के ऊपर कोई दूसरा वस्तु रख दिया जाए और टच के सेंस में हो, किस चीज के सेंस में हो? टच सेंस में हो, तो वहां पर ऊपर वाला जो वस्तु है, पर के हिंदी निकल रहा है, पर या ऊपर, तो वहां पे जो हिंदी, वहां पे जो प्रीपोजिशन होगा, अन का प्रयोग होगा। ऑन इज, जब कोई वस्तु के ऊपर कोई दूसरा वस्तु रहे और टच रहे, तो अन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम, यहाँ पे कोई वस्तु नहीं, यहाँ पे झगड़ा की बात हुआ है कि वे लोग झगड़ा किए हैं,
एक जमीन के टुकड़े, ठीक है ना। तो ऑन का प्रयोग यहाँ पे होगा नहीं, यहाँ पे फॉर, फॉर का भी प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे ओवर यानी उसके ऊपर, उसके उस पर यानी उसको लेकर के, उसके जब कोई चीज के ऊपर, कोई चीज के ऊपर कोई व्यक्ति क्या कर, ऊपर मतलब चढ़ के नहीं, मतलब उसी के ऊपर बहस कर रहा है, मतलब झगड़ा कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उस केस में हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। आई वॉज इन्वाइटेड फिल इन द ब्लैंक जी बाई हिज मदर। चलिए कौन सा ऑप्शन होगा, फटाफट बताएं। आई वॉज इन्वाइटेड, मैं इन्वाइट, मुझे इन्वाइट किया गया था, ठीक है, मुझे इन्वाइट किया गया था टी पर, किस पर टी मतलब चाय पर इन्वाइट किया गया था, बाय हिज मदर उसके मम्मी के द्वारा। आई वॉज इन्वाइटेड, आई वॉज इन्वाइटेड, मुझे इन्वाइट किया गया था टी पर उसके माँ के द्वारा। चलिए तो वहां पर का सेंस हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि पर का सेंस हो रहा है तो ऑन का ही प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ? जरूरी नहीं कि यहाँ पे पर का सेंस हो रहा है तो ऑन का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे जो है पर का जो प्रीपोजिशन है यहाँ पे टू भी निकल रहा है। क्लियर हुआ? मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर, यहाँ पे किस चीज का प्रयोग होगा, ऑन का प्रयोग नहीं होगा, विथ का प्रयोग नहीं होगा, इन का प्रयोग नहीं होगा। इन का प्रयोग लार्ज सिटीज, बड़े बड़े शहरों का नाम हो, कंट्री कंट्री हो, एशिया हो, बड़े बड़े देश हो, उसके नाम से पहले इनका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो खाली जगह है तो इसके बाद जो है टी, क्या बड़ा बड़ा स्थान है, नहीं है ना, तो इसके पहले हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे, पहली बात। फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे, चाय के लिए इनवाइट किए थे, मुझे चाय के लिए इनवाइट किया गया था, मुझे चाय पर इनवाइट किया गया था, ठीक है ना। वहां पे के लिए भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे फॉर का प्रयोग नहीं होगा। चाय के साथ मुझे इनवाइट किया गया था, अब चाय के साथ इनवाइट किया गया था, चाय भी लेकर गया गया, नहीं, यहाँ विद का भी प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे किस चीज का प्रयोग होगा, बी ऑप्शन बी होगा, यानी टू। आई वॉज इन्वाइटेड टू टी, मुझे टी पर, टी पर यहाँ पे टू का जो हिंदी निकल रहा है पर निकल रहा है, मुझे टी पर उसके मम्मी के द्वारा, उसकी मम्मी के द्वारा, उसके मम्मी के द्वारा इनवाइट किया गया था। क्लियर हुआ? आगे चले क्वेश्चन नंबर 8। ही इज नॉट इंटरेस्टेड फिल इन द ब्लैंक प्लेइंग एंड स्कीइंग, ठीक है, यानी ये जो है ना उसको जो है इंटरेस्टेड नहीं है, रुचि नहीं है किस किस चीज में। तो जब कोई व्यक्ति को किसी चीज में का सेंस हो रहा है, तो जब किसी व्यक्ति को किसी चीज में, तो यहाँ पे जो में का सेंस निकल रहा है किस चीज का प्रयोग होगा, इनका प्रयोग होगा। जब कोई बंदे या कोई भी व्यक्ति है अगर उसको किसी चीज में, किसी चीज में रुचि है, क्या है, रुचि है किसी चीज में, किसी चीज में रुचि है, तो हम वहां पे किस चीज का प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। कब, जो चीज है उस नाम के पहले। इसको किस चीज में रुचि है कि नहीं है, प्लेइंग, खेल कूद में रुचि नहीं है, तो ठीक है, यहाँ पे किस चीज का प्रीपोजिशन होगा, इनका प्रयोग होगा। आगे चले क्वेश्चन आगे। दे हैव बीन रेडियो, नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा लाइट फ्लैश तेज हो गया। दे हैव बीन रीडिंग फिल इन द ब्लैंक 7 o'clock, 7 o'clock। अब चलिए मैं आप लोगों को एक बार बताया हूं कि सिंस और फॉर इन दोनों का हिंदी होता है से। क्लियर हुआ? अब चलिए थोड़ा इसको मैं इरेज कर दे रहा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। से का हिंदी दो, इंग्लिश दो होता है, एक तो सिंस होता है, एक तो फॉर होता है। यहाँ पर मैं फॉर पहले कर दे रहा हूँ, यहाँ फॉर कर दे रहा हूँ और बाद में सिंस। तो फॉर का हिंदी के लिए नहीं होगा, सिंस ऐसे होगा, और सिंस का हिंदी भी से होगा। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम यानी नॉट फिक्स टाइम, नॉट फिक्स टाइम, अगर कोई टाइम फिक्स नहीं है यानी पीरियड ऑफ टाइम है तो उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। अगर कोई टाइम क्या है, फिक्स टाइम है यानी पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स टाइम है, तो उसके लिए हम से का जो इंग्लिश है सिंस लगाएंगे। तो अब बताइए डे,
अब डे आपका 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, 10 डेज, 100 डेज, इस तरह भी हो सकता है। तो डेज का 6 टाइम क्या हो जाएगा, 7 o'clock, CLOCK, CLO 7 o'clock, नहीं, सॉरी, कहाँ दिमाग है यार। चलिए, डे का खास नाम क्या हो जाएगा, जैसे संडे, SUNDAY, संडे, मंडे, ट्यूजडे, इस तरह से एटसेट्रा। अब डे के बाद मान लीजिए मंथ, मंथ आपका कितना भी हो सकता है, फिक्स नहीं है, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, तो ये कौन सा मंथ, कौन सा महीने का मंथ, बस समझ आ रहे कि नहीं आ रहे। तो इसका पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो जाता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, बस समझ आ रहे कि नहीं आ रहे। अब ईयर की बात करें तो ईयर आपका जो है नॉट फिक्स टाइम है, इसका फिक्स टाइम क्या हो जाएगा, 2023, 1947, 1949, इस तरीके से। इधर हुआ, अभी चलिए आर, आर यानी घंटा, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 आवर्स, 4 आवर्स, तो ये फिक्स टाइम नहीं है। इसका फिक्स टाइम 7 o'clock, 5 o'clock, CLOCK, CLOCK, इस तरीके से। और किसी पहाड़ का नाम हो, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, तो उससे पहले हम सेंस का प्रयोग करेंगे। तो इसका अब बताइए, सेंटेंस को पढ़िए कि दे हैव बीन रीडिंग, दे हैव बीन रीडिंग, यानी इस से का इंग्लिश कौन कौन सा टेंस में करते हैं। एक तो आपका परफेक्ट टेंस में करते हैं, और एक परफेक्ट के साथ साथ कॉन्टी निवस टेंस में करते हैं, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है ना। आपको टेंस पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। अब बताइए, इसमें टाइम आया कि नहीं आया, तो जब इसमें टाइम आया तो इसमें से कौन सा टाइम है, डेफिनेट डे है, डेफिनेट मंथ है, डेफिनेट ईयर है, कि डेफिनेट टाइम है, डेफिनेट टाइम। तो डेफिनेट टाइम से पहले हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, डेफिनेट अगर टाइम रहे, डेफिनेट डे रहे, डेफिनेट मंथ रहे, तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चले, आगे अब यहां से कोई भी ऑप्शंस में साइन नहीं लगा हुआ है, आपको खुद क्वेश्चन करना है। नेवर क्वेरल, फिल इन द ब्लैंक योर फ्रेंड्स, इसका हिंदी क्या होगा, नेवर क्वेरल, झगड़ा मत करो कभी, नेवर मतलब कभी भी मत, कभी भी नहीं, क्वेरल मतलब झगड़ा करना, कभी भी झगड़ा मत कीजिए, कोई एडवाइस दे रहा है, कोई सलाह दे रहा है, किससे, योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, या अपनों दो अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। आप कभी भी अपने दोस्तों के साथ, अगर के साथ का सेंस हो तो वहां पर हम हिंदी क्या निकालेंगे, से, विथ का प्रयोग, इंग्लिश विथ का प्रयोग करेंगे। अगर हिंदी के साथ रहे या से रहे, या से रहे, अगर के साथ रहे या से रहे, कभी कभी से का इंग्लिश फ्रॉम भी होता है, लेकिन किसी दोस्त के साथ, यहाँ पे हम किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए, बी, सी, डी, आपका बी ऑप्शन होगा, ना तो ए होगा, ना ही सी होगा, और ना ही डी होगा। आगे चले, आगे चले, बी ऑप्शन होगा ना, चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर 12, द फोर ब्रदर्स ऑलवेज क्वेरल्ड, फिल इन द ब्लैंक देम सेल्व्स, चलिए 12 फटाक से बताइए, द फोर ब्रदर्स ऑलवेज क्वेरल्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। अब चलिए, चार भाइयों के बीच की बात है, चार भाई ऑलवेज हमेशा क्या क्या करते थे, क्या करते थे, क्या किए, झगड़ा, हमेशा झगड़ा करते थे, देमसेल्फ्स, स्वयं, अपने आप, चार भाई है ना, वो आपस में अपने आप हमेशा क्या करते थे, झगड़ा करते थे। अब बताइए जी, उन भाइयों के बीच की सेंस हो रही है, ये जो झगड़ा हो रही है चार भाइयों के बीच में हो रही है, के बीच में, तो के बीच में अगर हो तो या तो टू पर्संस, PERSONS, या टू थिंग्स, अगर दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में कोई बात कहा जाए, तो वहां पे हम किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, बिटवीन इज यूज, BETWWEN, बिटवीन इज यूज, यानी बिटवीन का प्रयोग करते हैं। लेकिन दो से अधिक के बीच में हो, 3, 4, 5, 10, 20, तो वहां पे मोर देन टू, मोर देन टू, मोर देन टू पर्संस और थिंग्स, जब दो
दो से अधिक व्यक्ति वस्तुओं के बीच में कोई बात कहा जाए, चाहे वो झगड़ा हो चाहे कुछ भी हो, तो वहां पे हम बिटवीन का प्रयोग नहीं करते हैं, वहां पे हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, एमोंग इज यूज। यानी बिटवीन का हिंदी भी के बीच में, एमोंग का हिंदी भी के बीच में, बिटवीन का प्रयोग दो वस्तु दो व्यक्तियों के लिए होता है और एमोंग का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। तो बताइए यहाँ पे कितने ब्रदर हैं, चार भाई हैं, वो हमेशा क्या करते हैं आपस में स्वयं झगड़ा करते थे ना जी, तो ना तो टू का प्रयोग होगा यहाँ पर, बीच बिटवीन का हिंदी बीच निकल रहा है, के बीच में निकल रहा है, लेकिन ये नहीं होगा, दो के लिए होता है, फोर का प्रयोग नहीं होगा, एमोंग का प्रयोग होगा, डी ऑप्शन होगा। आगे चले, स्क्रीनशॉट लेते हुए चले जी आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ट्राई, कोशिश करो टू रीच, पहुंचने के लिए द विलेज गांव, फिल इन द ब्लैंक, सनसेट, सनसेट का मतलब क्या, सूर्यास्त होने से पहले। अब कोई बोल रहे हैं, कोई सलाह दे रहे हैं कि आप जो है ना गांव सूर्यास्त होने से पहले पहुंचने का प्रयास करो, या कोई ये भी बोलता है कि जंगल से जा रहे हो ठीक है चले जाओ, जल्दी चले जाओ सूर्यास्त होने से पहले, वरना, समझ सकते हैं। तो सनसेट होने से पहले, यहाँ पे हिंदी क्या निकल रहा है, यहाँ पे से पहले का सेंस हो रहा है, किस सेंस का हिंदी निकल रहा है, से पहले। तो आप फटाक से बताइए, ऑप्शन ए बिफोर, ऑप्शन बी बाई, ऑप्शन सी फ्रॉम, ऑप्शन डी ऑफ। बाई का प्रयोग करते हैं किसी साधन से जाए, बाइक के आगे क्या होना चाहिए, व्हीकल नेम ना जी। अब चलिए जरा, फ्रॉम का प्रयोग कब करते हैं, जब किसी स्थान को छोड़ते हैं, किसी स्थान को छोड़ते हैं, किसी स्थान को क्या करते हैं, त्यागते हैं, छोड़ते हैं, तो उस केस में जहां पे छोड़ते हैं वहां पे से होगा, कि इस जगह से, ठीक है ना, तो इस से के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, तो फ्रॉम भी नहीं होगा, फ्रॉम भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, कोई साधन से नहीं जा रहा है, ऑफ का हिंदी का, तो क्या बच गया, बिफोर। ट्राई, प्रयास करो टू रीच द विलेज गांव, जाने का प्रयास करो, सनसेट सूर्यास्त होने से पहले। तो कोई चीज होने से पहले की सेंस में हो तो उससे पहले का इंग्लिश क्या होता है जी, बिफोर का प्रयोग होता है। बोलिए मेरी बात समझ में आ रही है, बिफोर, बिफोर आपका प्रीपोजिशन है, बिफोर इज यूज। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ओ 14 14 14 12 13, अच्छा दो दो क्वेश्चन दे दिया गया है क्या, चलिए आगे चलें 14 में आइए। 14 क्या है, ध्यान से समझिए, इजिप्ट हिट हिम व्हाइल ही वाज गोइंग, फिल इन द ब्लैंक, द मैन रोड, द मैन रोड। अब चलिए जरा यहाँ पे ध्यान से हर एक पॉइंट देखिए, चाहता तो मैं फटाफट ऑप्शन ही बताकर क्लियर कर देता, बात समझ आ रही कि नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात समझिएगा नोट, यहाँ पे देखिए मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, ये नदी है, क्या है जी, नदी है, क्या है, नदी है, नदी बह रही है ना, तो ध्यान समझिएगा, कोई व्यक्ति चाहता है, यहाँ पे व्यक्ति पर्सन खड़े खड़े हुए हैं, अब वो चाहते हैं कि इस पार से मैं उस पार जाऊं, तो जब उस पार से इस पार आएगा, एक बात बताइए जरा, कोई साधन होगा तभी आएगा, या तो तैर कर आए, या तो तैर कर आए, यानी इसका जो इस पार से इस पार आना चाहता है, तो जब कोई वस्तु को कोई व्यक्ति उस पार से इस पार हो या इस पार से उस पार हो, तो वहां पे किस चीज का प्रयोग करते हैं, एक्रॉस, SARoS, Across is used, पहली बात, पहली बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब चाहे पुल बन जाए, पुल भी बन रहा है, तो उस पार से इस पार लोग आ रहे हैं, या सड़क को पार करना है तो उस पार से इस पार जा रहे हैं, बात समझ आ रही कि नहीं आ रहे, तो वहां पे हम एक्रॉस का प्रयोग करेंगे। और दूसरी बात यह है कि मान लीजिए आप सर्कस देखे होंगे, क्या देखे होंगे, सर्कस देखे होंगे, तो सर्कस में टायर को क्या कर दिया जाता है, ये मान लीजिए टायर है, उसको जला दिया गया है, उसको क्या कर दिया है, जला दिया गया है, और यहाँ से कोई डॉगी हो, डॉग यानी कोई कुत्ता हो या कोई भी जानवर हो, सर्कस दिखाता है लोगों को, क्या करता है, लोगों को सर्कस दिखाता है, क्या करता है, दिखाता है। अब वो बेचारा सोचता है कि इस टायर से इस पार से उस पार क्रॉस कर दो, इस पार से उस पार क्रॉस कर दो, तो उस केस में भी किस चीज का प्रयोग होगा, SARoS, एक्रॉस का ही प्रयोग होगा। क्लियर हुआ मेरी बात, सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर हुआ,
चलिए बहुत अच्छा। तो जब उस पार से कोई इस पार आए थे क्रॉस, क्लियर हुआ। इन द मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर के महीने में टेम्परेचर फॉल्स, कौन सा है जी क्वेश्चन? ये नहीं है ना, कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा 14 पहले आ गया क्या? मैं 15 की बात कर रहा हूँ, 15 की बात कर रहा हूँ। जीप हिट हिम, कोई जीप ने क्या कर दिया? उसको धक्का दे दिया। क्या कर दिया? धक्का दे दिया, उसको हिट कर दिया। व्हाइल ही वाज गोइंग द मेन रोड, अब मेन रोड से वो क्या कर रहा था बेचारा? कब कब धक्का दिया? जब कोई, ये भी व्यक्ति है बेचारा, इसको कोई जीप वाले ने आ करके क्या कर दिया? एक्सीडेंट कर दिया। कब? जब वो उस पार से इस पार आ रहा था। तो मैंने बोला था ना कि जब उस पार से इस पार आए कोई भी चीज, तो वहां पे हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? एक्रॉस का प्रयोग करते हैं, एसआर वर्ड में। तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए सही, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए आइए, अब यहाँ पर 15 दे दिया था, यहाँ पे 14 में छोड़ दिया था, तो 14 देखिए क्या होगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए आइए, आइए चलिए आगे, चले आगे। क्या है? इन द मंथ ऑफ दिसंबर द टेम्परेचर फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक, 4 सेल्सियस डिग्री। 14 का क्या होगा फटाक से बताइए, 14 का क्या होगा फटाक से बताइए। आप इस क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे, कमेंट करें कि कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, इसको आप खुद क्वेश्चन करें, ठीक है? कुछ आपके लिए भी छोड़ना है। चलिए 16 आइए। द केस वॉज पुट, फिल इन द ब्लैंक, द जज एंड द जज डिसाइडेड इट विथ इन एन ईयर, कौन सा ऑप्शन होगा फटाक से बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, द केस वॉज पुट, फिल इन द ब्लैंक, द जज एंड द जज डिसाइडेड इट विथ इन एन ईयर। चलिए यहां पर ध्यान समझिए, चलिए यहां पर लिखा है कि द केस वॉज पुट, कोई केस है वो रखा गया था जज से पहले, जज को आने से पहले रखा गया था, और द जज डिसाइडेड, और जज ने क्या किया, निर्णय लिया इट, उस केस को निर्णय ले लिया विथ इन एन ईयर, एक साल के अंदर ही उसको क्या कर लिया, डिसाइडेड कर लिया, निर्णय ले लिया, ठीक है ना। जज आया, जज को आने से पहले वो केसेस था, ठीक है ना, जज अभी उस समय उपस्थित नहीं था, जज को आने से पहले वो केस था, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? एट का प्रयोग नहीं होगा, फ्रॉम का प्रयोग नहीं होगा, बिफोर का प्रयोग होगा, क्लियर हुआ। चलिए आइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, चलिए अच्छा 14 बता दें। चलिए यहां देखिए, इन द मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर के महीने में द टेम्परेचर फॉल्स 4 सेल्सियस डिग्री। अब चलिए, फॉल्स हुआ कि हाई हुआ? फॉल्स हुआ ना, तो मैंने बताया था, मैं आपको लेक्चर फर्स्ट में बताया हूं कि जब भी लेवल की बात करें, किसकी बात करें, मान लीजिए लेवल है, पॉइंट है, या आपका लेवल है, या मार्क है, बात समझ में, या कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट से जब ऊपर जा रहा है तो किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, तो एवव का प्रयोग करते हैं। अगर किसी लेवल, मार्क, पॉइंट या पोस्ट हो, उससे कोई ऊपर जा रहा है तो एवव, उससे कोई नीचे आ रहा है, फॉल्स, गिर रहा है, नीचे आ रहा है, तो बिलो का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बिलो, इसका हिंदी होता है नीचे या के नीचे, इसका हिंदी होता है ऊपर या के ऊपर। तो कौन सा ऑप्शन होगा फटाक से बताइए, कि टेम्परेचर क्या हो गया, दिसंबर के महीने में टेम्परेचर नीचे हो गया है इतना सेल्सियस, कितना सेल्सियस, 4 सेल्सियस डिग्री नीचे हो गया है, तो बिलो का प्रयोग करेंगे, ए सी डी का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आइए चलिए, 15 हो ही गया, 16 हो गया, 17 आइए। द ब्रिज, फिल इन द ब्लैंक, दिस रिवर वॉज बिल्ट इन द ईयर 1995। चलिए अब चलिए, इस नदी पर की नदी के ऊपर पुल ना जी, द ब्रिज, फिल इन द ब्लैंक, दिस रिवर, क्या होगा जी? अब मैंने बोला था ना कि कोई भी नदी है, इसके ऊपर कोई चीज बन जाए, दो खंभाओं से गिर जाए, या चारों चार खंभाएं दो दिशाओं से घेर दे, किसी वस्तु के ऊपर कोई ऊपर दो दिशाओं से घेर दे या चारों दिशाओं से घेर दे, तो उस ऊपर के सेंस में किस चीज का प्रयोग करते हैं?
वर्ग का प्रयोग करते हैं। अब आप ही जरा बताइए, ये नदी है, नदी के ऊपर की बात कर रहा है, के ऊपर तो दो खंभाओं से घेरा है कि नहीं है, तो इसके ऊपर की मैं बात करूं ना, कि उस पार से इस पार की बात नहीं कर रहे हैं, बस ऊपर की बात कर रहे हैं। किसी वस्तु के ऊपर कोई दूसरा वस्तु रहे, या तो दो खंभाओं से घेर दे या चार खंभाओं से, तो आप हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, ओवर का प्रयोग करते हैं। ओके, अबव का प्रयोग नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, बाकी ए सी डी क्या है, गलत है। आइए 18, 18 में आइए, 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन कीजिए। विष अ उंडेड, उंडेड मतलब घायल, घायल एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। चलिए, तो नाउन से पहले आपका क्या लगता है, एडजेक्टिव आता है। तो विषा, हमने देखा एक घायल शेर को, टाइगर मतलब बाघ को, एक घायल बाघ को देखा, वाइल्ड पासिंग फिल इन द ब्लैंक द फॉरेस्ट, क्या होगा बताइए, द फॉरेस्ट। चलिए आप फटाफट बताएं। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, मैं हर चीज नोट लिखवाते हुए चल रहा हूं, तो नोट करते हुए चलिएगा। अब चलिए जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब चलिए थ्रू का प्रयोग, किसका प्रयोग, थ्रू, THROUGH, थ्रू का जो प्रयोग है ना, कई हिंदियों में होता है। थ्रू का जो हिंदी है, कई हिंदी, थ्रू का जो अर्थ होता है कई हिंदी में होता है। एक तो होता है के सहारे, एक होता है के सहारे, एक होता है इस पार से उस पार तक, इस पार से उस पार तक, इस पार से उस पार तक। चलिए बता, अब चलिए थोड़ा सी आ गया, आर पार, आप आर पार भी बोल सकते हैं, आर पार। फिर आइए, फिर आइए शुरू से आखिरी तक, फिर से हिंदी होगा नेक्स्ट, शुरू से आखिरी तक। अगला चले, अगला चले के माध्यम से, के माध्यम से। अब चलिए जी, थ्रू का हिंदी इतना होता है, तो आप जरूरत के हिसाब से लिख सकते हैं, जरूरत के हिसाब से बोल सकते हैं, थ्रू के हिंदी के सहारे, या इस पार से उस पार तक, या आर पार, या आर पार, कोई वस्तु के आर पार दिखाई दे तो थ्रू होगा, ठीक है ना। जैसे कोई ऐसा ग्लास है जो इस पार से उस पार दिखाई दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, थ्रू का प्रयोग करेंगे, शुरू से आखिरी तक, या के माध्यम से। अब चलिए यहां पर लिखा है कि वीसा, अब देखिए जरा, जब कोई टेररिस्ट है, कोई आतंकवादी है, उसको कोई सैनिक ने घेर लिया, उसको भागने का जगह नहीं है, छिपने का जगह नहीं है, तो वो जब कोई भी टेररिस्ट छिपता है, तो क्या, गुफा, गुफा ढूंढता है, क्या ढूंढता है, गुफा ढूंढता है, क्या ढूंढता है जी, गुफा। और ये मान लीजिए सपोज दैट क्या है, गुफा है, और यह बंदा छिपने के लिए इस गुफा से घुसा, प्रवेश किया, और इसी के सहारा चारों तरफ क्या है, सैनिक घेरे हुए हैं, उसको सैनिक को पता नहीं है कि वो कहाँ भागा है, लेकिन ये गुफा के अंदर बचने के लिए इस पार से, किस पार से, इस पार से, इसी के सहारे, इस गुफा के, देखिए एक तो के सहारे निकल रहा है, या दूसरा सेंस निकल रहा है, इस पार से उस पार, या शुरू से, यहां से शुरू हुआ, आखिरी यहां पे आकर के निकल गया और उसका जान बच गया। तो वहां पे किस चीज का प्रयोग करेंगे, थ्रू का प्रयोग करेंगे। या कभी कभी आप, कभी कभी आप ये भी देखते हैं कि बहुत बड़ा रोड होते हैं, और चारों, दोनों बगल क्या होते हैं, जंगल होते हैं, क्या होते हैं, जंगल, जंगल मतलब पेड़, बीच में रोड है और दोनों तरफ क्या है, पेड़ है, बीच में क्या है जी, रोड है और दोनों तरफ क्या है, पेड़ है, क्या है, ये रोड है और दोनों तरफ पेड़ है, इस तरह से कि नहीं है, और ऐसा लगता है कि वो एक गुफा बन गया, जब दोनों तरफ सड़क के दोनों तरफ पेड़ रहते हैं, तो लगता है कि गुफा हो गया, और कोई व्यक्ति इस पार से क्या करता है, उस पार जाता है, ठीक है ना, तो इसी के सहारे होकर के जाता है, तो उस केस में किस चीज का प्रयोग करेंगे, थ्रू का प्रयोग करेंगे। तो हमने देखा एक घायल शेर को कि वो क्या कर रहा था, पासिंग कर रहा था, जंगल, जंगल को पास कर रहा था, गुजर रहा था, ठीक है ना, तो किस चीज का प्रयोग करेंगे, बी ऑप्शन होगा, ना तो फ्रॉम होगा, ना ही एलोंग होगा, और ना ही एमोंग होगा, क्लियर हो, सब चीज प्रयोग कहाँ पे कैसे करते हैं मैं सब बताया हूँ। आगे चले क्वेश्चन नंबर 19, माउंट अबू इज अबाउट 5000 फीट, फिल इन द ब्लैंक द सी लेवल। अब देखो यहाँ पे लेवल की बात किया कि नहीं किया, यहाँ पे लेवल की बात किया कि नहीं किया, तो कैसा लेवल है, यहाँ पे कैसा लेवल दिया गया है, यहाँ पे सी, सी मतलब समुद्र। अब चलिए जरा, माउंट अबू इज अबाउट 5000 फीट, ठीक है ना, ये जो ये नाम है, ठीक है ना, अब ये जो एक लगभग 5000 फीट,
सी लेवल, सी लेवल से, ठीक है ना। ये जो सी है ना, ये मान लीजिए सी है, समुद्र है, क्या है ये समुद्र है, तो इससे ऊपर कितना ऊपर, 5,000 फीट ऊपर की बात कर रहा है। तो किसी लेवल से जब कोई ऊपर जाए तो हम एबव का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, एबव का। तो ऑप्शन कौन होगा, ए होगा, क्लियर होगा। आगे चले, मैं सब बता दिया हूं। क्वेश्चन नंबर 20, 20, हिज बर्थडे इज फिल इन द ब्लैंक नेक्स्ट संडे। मैंने बोला था ना कि जब भी किसी डे का खास नाम हो, डे का कौन सा नाम हो, डेफिनिट डे हो, डेफिनिट डे हो, डेफिनिट डे, ध्यान से समझिएगा नोट में, डेफिनिट डे हो या DAY डे हो या डेफिनिट डेट हो, डेफिनिट डे हो या डेफिनिट डेट हो। तो मैं मान लीजिए यहाँ पे इसी के माध्यम से मैं समझा दे रहा, आज कितना तारीख है, आज कितना तारीख है, 31st, यानी 31 है, 31 मार्च 2023। अब चलिए बीच वाला क्या होता है, शुरू वाला क्या होता है, बीच वाला क्या होता है, और लास्ट वाला थर्ड वाला क्या होता है, ध्यान समझिएगा। थर्ड वाला बीच वाला जो है डे नेम है, कौन सा नेम है, डे, और बीच वाला मंथ, और ये ईयर होता है। तो जब भी ईयर का खास नाम, जैसे 2023 मंथ का खास नाम 3 यानी मार्च, तो उसका उससे पहले हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, इससे पहले, बिफोर मंथ एंड ईयर से पहले हम इन का प्रयोग करते हैं, और कोई भी डे हो तो उससे उसके नाम से पहले हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। बस है भाई, तो कौन सा ऑप्शन होगा, इन तो होगा नहीं, इन तभी होता है जब यहाँ पे कोई महीने का नाम होता या साल का नाम होता है, क्लियर हुआ। तो उससे पहले हम इन लगाते हैं, 8 का प्रयोग होगा नहीं, 4 का प्रयोग होगा नहीं, किस चीज का प्रयोग होगा, सी ऑन। आइए 20, 20 तो हो गया 21, क्वेश्चन नंबर 21, रमेश फेल डाउन, रमेश क्या हो गया, नीचे गिर गया, व्हाइल ही वॉज रनिंग अ बस। अब चलिए इस क्वेश्चन को फटाक से बताइए, 21 क्या होगा, कब गिरा जी, रमेश गिर गया व्हाइल के दौरान, किसके दौरान, जब वो ही वॉज रनिंग अ बस, तो बस बस क्या होगा, ऑप्शन पहले बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, चलिए फटाक से बताइए। तो ध्यान से समझिएगा, जब वो बस में क्या रनिंग करते हुए जा रहा था उसी समय वो बस, तो मान लीजिए जैसे कहने का सेंस क्या है कि वो बस में चढ़ने के लिए जा रहा है, उसको लग रहा है कि बस छूट जाएगा, तो दौड़ते हुए क्या किया, बस में चढ़ा, एंट्री किया, और उसी में क्या हो गया, गिर गया। तो मैंने कहा था कि जब कोई वस्तु गति के साथ, किसके साथ, गति के साथ किसी दूसरे वस्तु के अंदर प्रवेश करें, क्या करें बाबू, प्रवेश करें, तो कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं, इनटू इज यूज्ड, क्लियर हुआ। अब रमेश बेचारा गिर गया कब, किसके दौरान, जब वो बस में चढ़ रहा था, बस में प्रवेश करने के दौरान, तो किस, कौन सा ऑप्शन होगा, ए नंबर होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, क्लियर हुआ। आगे चले, 21 हो गया, 22, चलिए 22, या कौन सा क्वेश्चन है, 22, सचिन इज द बेस्ट। अब बताइए जहां पर बेस्ट लग जाए तो सबसे ज्यादा ना हो गया जी, तो सचिन इज द बेस्ट, सचिन सबसे अच्छा है, ऑल द प्लेयर्स, सभी प्लेयर से। अब बताइए सभी प्लेयर से, अब यहाँ पे सभी प्लेयर के बीच की बात कर रहा है ना, यहाँ पे मान लीजिए 10 प्लेयर है, उस 10 प्लेयर को कंपेयर कर रहा है, इन सभी 10 प्लेयर में कौन सबसे अच्छा है, तो दो से अधिक के बीच में जब सेंस और तुलना हो तो वहां पे हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, एमोंग का प्रयोग करते हैं, बिटवीन का प्रयोग नहीं करते हैं, इनटू नहीं होगा, सी ऑप्शन, एबव नहीं होगा, बिटवीन तो दो के लिए करते हैं, एमंग होगा, क्लियर हुआ। आगे चले 23, 23 क्या है, सेंड मी, मुझे भेज दो, क्या भेजो, लेटर्स, पत्र भेजो, फिल इन द ब्लैंक दिस एड्रेस, इस पता पर, मुझे इस पता पर पत्र भेजिए, ऑप्शन ए बाई, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी ऑन, कौन सा ऑप्शन होगा, फटाक से बताइए। अब देखिए यहाँ पे चलिए,
जब यहाँ पे टू होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? टू होगा, क्यों? ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना। टू का यहाँ पे जो हिंदी निकल रहा है की ओर निकल रहा है, की ओर। जब टू की हिंदी की ओर निकले तो डेस्टिनेशन शो करा रहा है, क्या शो करा रहा है? डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन शो करा रहा है, लक्ष्य बता रहा है। अब बताइए, बोला है मतलब कोई बोला है कि मुझे पत्र भेज दीजिए, किस पता पर? किस पता पे, किस पता पर? इस पता पर भेज दीजिए, ठीक है ना। तो कौन सा होगा फटाक से बताइए? टू का प्रयोग होगा ना। जैसे मान लीजिए मैं कोई ऑप्शन दे रहा हूँ, कोई एग्जांपल भी दे रहा हूँ, जैसे मैं बोला कि ही वॉज गोइंग टू पटना मार्केट, ही वॉज गोइंग टू पटना मार्केट। अब बताइए वो किसकी ओर जा रहा है? ही वॉज गोइंग, वो जा तो रहा है लेकिन किसकी ओर जा रहा है? पटना मार्केट। तो यहाँ पे की ओर मत बोलिए, ठीक है ना। वो जा रहा है तो उसका डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन तो किसी जगह पे ही जा रहा है, पटना जा रहा है। उसी तरीके से वो भेज रहा है, मुझे भेज रहा है, पत्र भेज रहा है, तो उसका कोई डेस्टिनेशन होगा ना, कि यहाँ पे भेज रहा है, इस पते पे भेज रहा है। तो हम तो किस चीज का प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, 24। 24 क्या है प्रोडक्ट्स बताइए? चलिए 24 है, प्लीज राइट मी फिल इन द ब्लैंक दिस एड्रेस। अब बताइए, जब कोई व्यक्ति लिखेगा तो किसी पर ही लिखेगा, कृपया राइट मी, मुझ पर लिखिए, मुझे लिखिए, कृपया लिखिए मुझे, फिल इन द ब्लैंक दिस एड्रेस, इस पता पर मुझे लिखिए, इस पता पर लिखिए, इस पता पर लिखिए। तो किस एड्रेस पर इस एड्रेस पर, या पर का सेंस हो रहा है ऑन लग जाएगा, ए नहीं होगा, ऑप्शन बी एट नहीं होगा, ऑप्शन डी अपॉन नहीं होगा, क्या होगा? ऑन होगा। आइए 25, 25 देखते हैं। सी इज मैरिड, सी इज मैरिड, फिल इन द ब्लैंक रवि। अब बताइए, जब किसी को किसी से विवाह किया जाए, यानी से के सेंस में, किसी के सेंस में, नोट याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? नोट याद रखना है, यहाँ पे ध्यान समझिए। टू का जब हिंदी, टू का जब हिंदी क्या निकले? से के अर्थ में निकले, तो वहां पे हम जब से के अर्थ में निकले तो वहां पर भी हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोला हरिश्चंद्र ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ टू द पीपल, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, ALWAYS ऑलवेज स्पोक, SPOKE द ट्रूथ, TRUTH टू पीपल, टू द पीपल, टू पीपल या टू द पीपल, टू पीपल, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे जो टू वर्ड लगा है, यहाँ पे किसका सेंस निकल रहा है? से, हरिश्चंद्र हमेशा बोलते थे सत्य, सच्चा, सत्य बोलते थे, किससे बोलते थे? लोगों से। तो यहाँ पे से का हिंदी क्या निकल रहा है? टू निकल रहा है। उसी तरह से उसकी विवाह कर दिया गया है किससे? रवि से। उसकी विवाह कर दिया गया है किससे? रवि से। तो से के सेंस में क्या लगाएंगे? ए नहीं लगाएंगे, बी ऑप्शन होगा, टू होगा। क्लियर हुआ मेरी बात समझ आ रहा है? सी सेड टू मी, अगला एग्जांपल देख लीजिए। सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी। अब यहाँ पे टू का हिंदी क्या निकलेगा? से निकलेगा। वह कही, किससे कही? मुझे से कही। क्लियर? बारिश का मौसम है, बिजली कड़क रही है, कितना आनंद आ रहा है पढ़ाने में, देखिए इतना आप लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है, ठीक है। और मैं पूरा वादे दावे के साथ बोल रहा हूँ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। 26 आइए, द मैन वॉज एब्सॉर्ब्ड, फिल इन द ब्लैंक हिज वर्क। चलिए, द मैन वॉज एब्सॉर्ब्ड, फिल इन द ब्लैंक हिज वर्क। आदमी अपने काम लगा, आदमी को जो है अपना काम लगा रहता है, आदमी को अपना काम लगा रहता है। कौन सा ऑप्शन होगा फटाक से बताइए? कौन सा ऑप्शन होगा फटाक से बताइए? द मैन वॉज एब्सॉर्ब्ड इन हिज वर्क, आदमी को काम लगा, आदमी को लगा रहता है, आदमी को लगा रहता है, क्या लगा रहता है? एब्सॉर्ब्ड होता है
हिज वर्क, उसके काम में, यानी आदमी अपने काम में लगा रहता है, यहाँ में का जो सेंस निकला उसके इंग्लिश क्या होगा, इन होगा। तो ऑप्शन ए एट नहीं होगा, ऑप्शन बी विथ नहीं होगा, ऑप्शन सी इन होगा। आगे चले 27। आई हैव बीन स्टडिंग इन द स्कूल फिल इन द ब्लैंक लास्ट 5 ईयर्स। मैंने बोला था ना कि 5 ईयर्स, जहां पर भी ईयर्स लग जाए, जहां पर मंथ्स लग जाए यानी मंथ लग जाए, जहां पर डे यानी डेज लग जाए, और यह खास नाम नहीं है, खास नाम नहीं है, तो इससे पहले हम फॉर लगाएंगे, और यहाँ पर जो फॉर का हिंदी निकलेगा से निकलेगा, लेकिन इसी ईयर का खास नाम दे दे, जैसे 2023, 2022, 1950, महीने का खास नाम दे दे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्लियर हुआ, और डे का खास नाम दे दे, संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे। तो इससे पहले हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर भी सिंस का हिंदी होता है से। अब बताइए 5 ईयर्स, ईयर्स जो है ईयर का खास नाम दिया है, 2020, 2022, 2023, 2024 तो नहीं दिया ना, तो ये क्या हो गया, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम को बोलते हैं नॉट फिक्स टाइम, और नॉट फिक्स टाइम से पहले हम फॉर का प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे, अबाउट का प्रयोग नहीं करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, अराउंड का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे चले 28 क्या है, द डॉग वॉज किल्ड बाई राम, कुत्ते को मार दिया गया था किसके द्वारा, राम के द्वारा। फिल इन द ब्लैंक अ गन, तो आप बताइए जब भी किसी विपन, विपन WEAPON, कोई विपन से मारे, कोई इंस्ट्रूमेंट INSTRUMENT, विपन हो इंस्ट्रूमेंट हो, तो उससे पहले अगर कोई फिल इन द ब्लैंक है और बोला जाए कि कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, तो आप किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, जल्दी जल, जल, जल बताइए, लेक्चर फर्स्ट में पढ़ाया हूँ, फटाक से बताइए, जल्दी बताए, विथ का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, विथ का प्रयोग होगा, क्लियर हुआ। जब किसी विपन हो, विपन का नाम हो या कोई इंस्ट्रूमेंट हो, तो उससे पहले किस प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, विथ का प्रयोग होगा। तो गन आपका क्या है, एक विपन है, तो इससे पहले कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, विथ का प्रयोग होगा, ए बी और डी का प्रयोग नहीं होगा। आगे चले 29 और 28 के बाद 29 नहीं है, चलिए आइए 30, यहाँ पे छूट गया है, ओके 30 पाइए। ही स्माइल्ड फिल इन द ब्लैंक मी एंड देन स्पोक विथ मी। अब चलिए ऑप्शन ए विथ, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी एट, ऑप्शन डी फॉर, चलिए आइए कौन सा ऑप्शन होगा फटाक से बताइए, कौन सा ऑप्शन होगा फटाक से बताइए। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक नोट लिखवा रहा हूँ, यही थोड़ा सा लॉन्ग है, थोड़ा नोट समझना है अच्छे से, आप समझ सकते हैं। चलिए आइए, चलिए सूट SHOUT, शाउट, ग्रम्बल सूट GRUMBLE, ग्रम्बल SHOUT, शूट, और आगे चलिए उसके आगे लाफ मॉक LAUGHT, लाफ है ना, चलिए लाफ LAUGH, लॉ, MOC के मॉ, और भी आइए, और भी है जैसे बाइट अलार्म, बाइट ALARM अलार्म, उसके आगे चलिए लुक किक, लुक किक, और भी है स्माइल ग्राउल, SMILE ग्राउल, GROWL, इन सब से, इनसे पहले कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं, एट इज यूज्ड। तो चलिए अब चलिए यहाँ पे लिखा है स्माइल, पहले नहीं सॉरी, पहले नहीं, इनके बाद, इनके बाद, इनके बाद किस चीज का प्रयोग करते हैं, एट इज यूज्ड। अब बताइए स्माइल क्या है, स्माइल कहीं है इसमें, चलिए देखिए स्माइल, तो स्माइल के आगे कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, एट लगेगा, क्लियर हुआ। चलेंगे तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी, सी होगा, ठीक है आगे चले 31, अब ज्यादा नहीं है 31, द सर्वेंट इज अटेंडिंग फिल इन द ब्लैंक हिम, द सर्वेंट इज अटेंडिंग फिल इन द ब्लैंक हिम। 31 फटाक से बताइए, 31 ऑप्शन है ऑन, बी है विथ, सी है फॉर, डी है अपॉन, किस चीज का प्रयोग, फटाक से बताइए।
द सर्वेंट इज अटेंडिंग हिम ऑन होगा, क्या होगा? ऑन होगा, क्यों होगा आप जरूर बताइएगा, ठीक है? आगे चले, 32 क्या लिखा है? पीपल वर अलार्म्ड, अलार्म्ड फिल इन द ब्लैंक टाइगर। अब मैंने जस्ट इससे पहले ही बोला था कि अलार्म, ये जो वर्ब है ना, ये सारे के सारे वर्ब है, इस वर्ब के बाद हम कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। किस चीज का प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ अलार्म में लिखा है कि नहीं लिखा है? अलार्म भी आपका वर्ब है, तो इससे बाद कौन सा प्रीपोजिशन होगा? एट का प्रयोग होगा। बोले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो अलार्म एट, ऑप्शन ए होगा। आइए 32 हो गया, 33। द पेशेंट डाइड फिल इन द ब्लैंक फीवर। अभी जस्ट इसी क्वेश्चन में मैंने बोला भी था, आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा, ठीक है ना, कि फ्रॉम होगा, बी ऑफ होगा, सी विथ होगा, डी फॉर होगा। मैं शुरुआती क्वेश्चन में बताया था कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो दो तरीके से मरता है, एक एक्सीडेंट से और एक किसी बीमारी से। तो बीमारी के नाम से पहले कौन सा प्रीपोजिशन होगा, और किसी एक्सीडेंट से मरे तो उससे पहले कौन सा प्रीपोजिशन होगा, ये भी क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। 34, हर क्वेश्चन करेंगे तो मजा नहीं आएगा, आप मेहनत नहीं कर पाएंगे। 34 क्या है? नेहरू वॉज बॉर्न फिल इन द ब्लैंक नोबल पेरेंट्स। अब ये ध्यान से समझना है, एक नोट यहाँ पे समझना है, चलिए चलिए ध्यान से समझे। अगर बॉर्न के आगे बी ओ आर एन, बॉर्न के आगे अगर क्या लग जाए? ऑफ लग जाए। और एक और है, अगर बॉर्न के आगे ऑफ लग जाए फिर से बॉर्न के आगे इन लग जाए। तो बॉर्न जो है आपका एक वर्ब है, इसके बाद दो प्रीपोजिशन है, अगर ऑफ लग जाए तो इसका मतलब क्या होगा, और इन लग जाए तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपको समझना है। तो बॉर्न के आगे ऑफ लग जाता है तो हो जाता है बॉर्न ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स, बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स। यानी जब किसी का जन्म हुआ है तो बॉर्न का मतलब जन्म होता है, इसके आगे ऑफ लग जाए तो किसी रिच पेरेंट्स, समृद्ध माता पिता के घर में जन्म हुआ है, समृद्ध माता पिता के घर में जन्म लिया है। क्लियर हुआ? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर बॉर्न के आगे इन लग जाए तो क्या हो जाएगा? बॉर्न इन। तो यह किसी प्लेस का नाम बताता है, क्या शो कराता है? प्लेस का नाम शो कराता है, यानी पैदा हुआ। तो कहां पैदा हुआ? तो किसी प्लेस का नाम चाहिए कि नहीं चाहिए? प्लेस नेम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आप बताइए जरा, इस क्वेश्चन में लिखा है कि नेहरू वाज बॉर्न, नेहरू जन्म लिया था, जन्म हुआ था। अब कहां जन्म हुआ था? नोबल पेरेंट्स, पेरेंट्स वर्ड लग जाए, अगर बॉर्न के आगे पेरेंट्स वर्ड लग जाए, क्या लग जाए? पेरेंट्स वर्ड लग जाए, तो हम क्या, कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं बॉर्न के आगे? ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो पेरेंट्स लगने से क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। अगर बॉर्न के आगे इन लग जाए तो किसी जगह का नाम होना चाहिए, कहां जन्म हुआ था? इन लखनऊ, इन दिल्ली, इन आगरा, इस तरीके से होगा, बॉर्न इन दिल्ली आगरा। क्लियर हो? आगे चले, क्वेश्चन नंबर 34। सी कम्स, वह आती है फिल इन द ब्लैंक अ नोबल फैमिली। अब बताइए, जब कोई व्यक्ति आए या जाए तो किसी साधन से आए तो बाइक का प्रयोग करेंगे, और पैदल आए जाए तो ऑन का यहाँ पे प्रयोग करेंगे, और किसी जानवर के साथ आए जाए तो किस चीज का प्रयोग करेंगे? ऑन का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? ऑफ फैमिली और नोबल फैमिली, तो किस चीज का प्रयोग होगा? फ्रॉम का प्रयोग होगा कि ऑफ का प्रयोग होगा कि बाई का प्रयोग होगा कि ओवर का प्रयोग होगा? फटाक से बताइए। 35, लेक्चर नंबर में फर्स्ट में बताया हूँ कौन सा प्रयोग होगा। वह एक रईस परिवार से आती है, वह किस परिवार से आती है? माने ये कहीं जाती रहती है, कहीं जाती है, चाहे पढ़ने जाए चाहे कहीं भी जाए, तो लोग देख रहे हैं तो पूछ रहे हैं कि भाई वो लड़की कहाँ से आती है भाई, तो वह किस परिवार से आती है? एक नोबल का मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का मतलब क्या हुआ? रईस। वह एक रईस परिवार से आती है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? फटाक से बताइए। यहाँ पे ना तो कोई साधन से आ रही है, ना तो कोई जानवर के साथ आ रही है, बात समझ आ रहा है? यहाँ किसी 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 चीज को डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहा है कि इस परिवार से बिलोंग कर रहे हैं, तो वहां पे कौन सा प्रयोग हो जाएगा? फ्रॉम का प्रयोग हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए आइए आगे। 36, द एपिडेमिक ब्रोक, द एपिडेमिक महामारी, एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी, ब्रोक। देखिए यहाँ पे समझिएगा, ब्रोक
बी आर ओ के ई ब्रोक कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। इसका फर्स्ट फॉर्म होता है ब्रिक, और ब्रिक के आगे क्या लग जाए? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पहले से थोड़ा गलत दिया है, मैं खत्म या हटा दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए तो ब्रेक के आगे क्या लगना चाहिए? ब्रेक इन। तो ब्रेक इन का मतलब क्या होता है आप बताएं, ब्रेक इन का मतलब क्या होता है? चलिए, द एपिडेमिक ब्रेक इन यानी ब्रोक इन द डिस्ट्रिक्ट लास्ट ईयर, यानी पिछले साल जिले में क्या हो गया था? महामारी हो गई थी, फैल गई थी, ठीक है ना? पिछले साल ये जो महामारी है ना, क्या हो गई थी? फैल गई थी। तो ब्रेक के आगे कभी भी कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? इन का प्रयोग होता है। इसका सेंस हुआ फैल जाना, ठीक है? तो ए नहीं होगा, इन होगा। चलिए आगे चले, आगे चले। 37, 37 क्या है? द विनर्स, विनर का मतलब होता है विजेता, कोई व्यक्ति है। यहाँ पे कौन है? विजेता यानी कोई पर्सन है, कौन है? चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है ना? ये विनर है, ठीक है? द विनर पुट फिल इन द ब्लैंक अ गुड फाइट। चलिए कौन सा ऑप्शन होगा फटाक से बताइए। 37, 37 विजेता ने एक अच्छी लड़ाई में भाग लिया। विजेता यानी विनर ने क्या किया? पुट, पुट मतलब हुआ भाग लिया एक अच्छी लड़ाई में। तो यहाँ में का सेंस निकल रहा है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? इन का प्रयोग होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। आगे चले, आगे चले। 38, 38 यू कैन डिपेंड, यू कैन डिपेंड, आप क्या है? निर्भर हो सकते हैं। निर्भर होना, डिपेंड मतलब निर्भर होना। किस पर निर्भर हो सकते हैं? मी, किसी चीज पर। तो कौन सा ऑप्शन होगा? मेरे पर ना। तो जब कोई व्यक्ति किसी चीज पर की सेंस हो रहा है ना, किसकी सेंस हो रहा है? पर, तो पर का जो सेंस हो रहा है हिंदी निकल रहा है, वहां पे किस चीज का प्रयोग होगा? ऑन। तो जब कोई व्यक्ति या चाहे मेल हो या फीमेल हो, किसी चीज पर निर्भर है, किसी चीज पर क्या है? निर्भर है। तो वहां पे हम किस चीज का, कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। तो यू कैन डिपेंड, आप डिपेंड हो सकते हैं, निर्भर हो सकते हैं, किस पर? मेरे पर। क्लियर हुआ? तो विथ का प्रयोग नहीं होगा, बी ऑप्शन होगा, ऑन। और दो एग्जाम्पल है मैं आपको बता दे रहा हूं। 39, 39 Always be satisfied your lot. Always be satisfied, fill in the blank your lot. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ फटाक से बताइए। चलिए, हमेशा अपने भाग्य से संतुष्ट रहें, कोई सलाह दे रहा है। Always be, हमेशा रहें, satisfied मतलब संतुष्ट, किससे? Your lot. यहाँ लॉर्ड का सेंस है भाग्य, अपने भाग्य से। तो यहाँ पे से का सेंस हो रहा है, तो कौन सा प्रयोग होगा? कौन सा प्रयोग होगा बताइए। अब देख, कोई व्यक्ति किसी से यानी किसी के साथ ही तो संतुष्ट होता है। कोई व्यक्ति किसी से यानी के साथ, जब कोई व्यक्ति संतुष्ट हो तो किसी से होगा या तो के साथ होगा, किसी से होगा संतुष्ट या किसी के साथ होगा। तो से और के साथ का जो प्रीपोजिशन हो इंग्लिश होता है, क्या होता है? विथ का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे किस चीज का प्रयोग होगा? योर लॉट, योर फेथ, अपने भाग्य से, ठीक है ना? यहाँ पे किस चीज का प्रयोग होगा? विथ का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए होगा। क्लियर हुआ? समझ आ रहा है? आगे चले, आगे चले। 40, 40 क्या है? सोल्जर्स, सैनिक, बहुत सारे सैनिक ऐसे लग गया है। वुड नॉट सरेंडर, फिल इन द ब्लैंक द एनिमी। सरेंडर का मतलब क्या होता है? सरेंडर का मतलब क्या होता है? आत्मसमर्पण करना। तो यहाँ पे जो सैनिक है ना, सैनिक जो है दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण नहीं है, नहीं रहेंगे। वुड जो है ना, फ्यूचर का पास्ट है, फ्यूचर का पास्ट है। सैनिक वुड नॉट सरेंडर, सैनिक जो है, सोल्जर जो है, नहीं रहेंगे दुश्मन के सामने क्या? आत्मसमर्पण। अब बताइए, जब के सामने निकल रहा है, क्या निकल रहा है? के सामने। जब हिंदी के सामने निकल रहा है या सामने निकल रहा है, तो उसका इंग्लिश क्या होगा? इन फ्रंट ऑफ होगा। बात को समझिएगा, सिर्फ इन फ्रंट नहीं होगा, ऑफ होना चाहिए, तब उसका हिंदी होगा के सामने। तो बताइए, ऑप्शन ए है कि बी है कि सी है? देखिए, ऑप्शन ए इन फ्रंट होना चाहिए, बट इसके आगे ऑफ का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये गलत हुआ। बाई होगा कि टू होगा कि विथ होगा, फटाक से बताइए, फटाक से बताइए। यहाँ पे ऑप्शन जो है सी होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा, ठीक है ना? सोल्जर्स वुड नॉट सरेंडर, फिल इन द ब्लैंक
एनिमी। तो इन फ्रंट के आगे ऑफ होना चाहिए, जब ऑफ नहीं है तो इसके जगह पे क्या दिया गया है, ओनली 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 क्या दिया गया है, टू दिया गया। ठीक है चलिए, तो इन फ्रंट ऑफ का हिंदी होता है सामने के सामने। अगर इन फ्रंट ऑफ नहीं लिखना चाहते हैं तो उन पूरे के जगह पे किस चीज का प्रयोग हो सकता है, टू, इसका भी हिंदी होता है सामने या के सामने। समझ में आया? तो चलिए आज का जो क्लास है 1 से लेकर के 40 इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आप लोग कराया हूँ। और भी क्वेश्चन है जो कि आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, एक दो और क्वेश्चन जो आप खुद कीजिएगा, 41 है स्क्रीन शॉट ले लीजिए, 42 स्क्रीन शॉट लीजिए, बहुत ही आसान है, 43 स्क्रीन शॉट, 44 स्क्रीन शॉट ले लिए, और 45 इन सबको आप क्या कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। इसमें करना क्या है, 41 से 45 तक एरर बताना है कि किस पार्ट में एरर है, तो आप एरर पकड़ सकते हैं। तो आप जब आप अच्छे से प्रीपोजिशन पढ़े हैं तो एरर बताना है, तो सिर्फ आपको किसको ध्यान देना है, प्रीपोजिशन को ध्यान देना है। और प्रीपोजिशन लगाने से पहले आप किसको देखिएगा, नाउंस को देखिएगा, इस प्रीपोजिशन के बाद वाले वर्ड्स को देखिएगा, जैसा वर्ड्स होगा उस हिसाब से प्रीपोजिशन का प्रयोग कीजिएगा। कभी कभी होता क्या है कि उस सेंटेंस में अर्थ के हिसाब से भी प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, क्लियर हुआ। और जाते जाते मैं एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रीपोजिशन के बाद आपका क्या आता है, नाउन आएगा। तो ये जो या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा, तो यह किस रूप में हमेशा होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में, OBJECT ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, एज अ ऑब्जेक्ट, किसके रूप में काम करता है, एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। अगर प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट के रूप में काम करे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो चलिए आप लोगों को, आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने पूरे दोस्त को यह वीडियो शेयर करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को और इस योग्य प्लेनेट को ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करें, ताकि आपके वजह से हम लोग और ज्यादा मेहनत करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।